दोस्तों दिवाली पर सभी कंपनीज अलग अलग स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, तो ओप्पो ने भी लॉन्च कर दिया है ओप्पो A79 5G। और जब भी आप ऑफलाइन के अंदर कोई भी स्मार्टफोन खरीदने जाओगे तो ओप्पो का अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो सबसे पहले आपको दुकानदार ओप्पो A79 ही दिखाएगा। तो ये स्मार्टफोन कैसा है, सही है या नहीं है, क्या इसकी प्राइस है, क्या इसका कैमरा है, प्रोसेसर कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। इसको मैंने पहले से खोल लिया था, हमने इसको अच्छी तरह से यूज भी किया है। और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इस मोबाइल को हमने खुद से अरेंज किया है, तो जो भी आपको बताएंगे एकदम सच बताएंगे। तो यहाँ पे बॉक्स आप देखोगे, जो पीछे के बॉक्सेस आते थे जैसे कि A78 वगैरह, उन्हीं के जैसा ही है। तो जैसे हम इसको खोलेंगे यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, तो सबसे पहले इसके अंदर ही देख लेते हैं क्या क्या सामान मिलता है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यार ओप्पो वगैरह अभी भी आपको कवर वगैरह साथ में दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा कवर है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और कवर को देख के से लग रहा है मोबाइल एकदम बॉक्सी टाइप होने वाला है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। तो चलिए और भी देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर मोबाइल मिलता है, और ओप्पो की अच्छी बात यह भी आजकल यहाँ पे प्लास्टिक नहीं मिलती है, कागज की पॉलीथीन मिलती है। तो इसको भी एक बार रखते हैं साइड में और देखते हैं कि अंदर क्या क्या सामान मिलता है, चार्जर कितने वोल्ट का मिलता है। तो यहाँ पर ये रहा चार्जर, और ये चार्जर 33 वोल्ट का है। तो यार चार्जर 44 वोल्ट होना चाहिए था अभी के टाइम में, तो यहाँ पे 33 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है। और टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल रही है। तो इन सभी को रखते हैं साइड में और निकालते हैं मोबाइल को बाहर और देखते हैं कि मोबाइल फोन कैसा है। ओ भाई साहब डिजाइनिंग सही में ओप्पो ने अपनी बार और भी बहुत ही कुछ अलग किया है। देख सकते हो डिजाइनिंग में, मतलब देखने में ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही प्रीमियम होने वाला है। पीछे आप इसके देखोगे जो कैमरा का मॉड्यूल है ना, वो यार बहुत ही अलग बनाया गया है। यहाँ पे रिंग लाइट सी बनाई गई, मतलब यहाँ पे ऊपर देखोगे थोड़ा सा ऊपर किया गया है ताकि कैमरा के स्क्रेचेस वगैरह ना आए। और पीछे आपको दो कैमराज मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है यहाँ पे तीन कैमराज है पर दो ही कैमरा। और यहाँ पे साइड में फ्लैश लाइट है, और जो कैमरा का मॉड्यूल है भाई साहब बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और पीछे आप देखोगे यहाँ पे ऐसे लगता है ग्लास है पर ग्लास नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक देखने को मिलती है। और जो फ्रेम है ये भी प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है। और दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन देखोगे राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड राइट साइड के अंदर आपको वॉल्यूम बटन मिलते हैं। और जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपको यहाँ पे राइट साइड के अंदर ही मिल रहा है। और नीचे की साइड में देखोगे स्पीकर मिलते हैं, और इसके अंदर आपको स्टीरियो के स्पीकर मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा लाउड होते हैं। नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक, और नीचे आपको 3.5mm का जैक मिलता है जिसके अंदर आप ईयरफोन वगैरह आसानी से लगा पाओगे। लेफ्ट साइड के अंदर आपको सिम स्लॉट मिलता है। तो देखते हैं सिम स्लॉट के अंदर हम मतलब कितने सिम कार्ड डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि या तो आप दो सिम कार्ड डाल सकते हो या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर डाल सकते हो। और ऊपर की साइड में वॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके पोर्ट्स एंड बटन। डिजाइनिंग से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, यहाँ पे एक ओप्पो का लोगो शो होता है। और यहाँ पे पीछे फिंगर वगैरह छपते हैं इसके, देखिए यहाँ पे जब भी हम हाथ वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे पीछे छपते हैं, पर आपको इसको कवर के अंदर ही रखना है। डिजाइनिंग तो भाई साहब काफी ज्यादा प्रीमियम है, पर दोस्तों क्या आपको पता है इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 20,000 रुपए। पर अगर आप इसको फ्लिपकार्ट वगैरह पे अभी जाके देखोगे तो अगर SBI का इसके अंदर कार्ड लगाते हो तो ये आपको मिल जाता है 18,000 रुपए के अंदर, यानी कि 2,000 डिस्काउंट है, पर जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो 20,000 रुपए। और इसके अंदर आपको 5,000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपके पूरे दिन आराम से चल जाएगी। तो बैटरी तो ठीक है, पर चार्जर यहाँ पे 44 वोल्ट होना चाहिए था इस प्राइस के हिसाब से। और जो डिस्प्ले है वो 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर यार इस प्राइस के अंदर AMOLED डिस्प्ले होती तो काफी ज्यादा मजा आता। और 90Hz रिफ्रेश रेट है, 180Hz यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट। अगर आप इसमें कंटेंट वगैरह देखना चाहते हो यूट्यूब वगैरह पे तो इसके अंदर आप यहाँ पे 1440p पर ही देख पाओगे। तो यहाँ पे 4K का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ताकि आप अगर अच्छी खासी मूवीज वगैरह देखना चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ 1440p पर ही आप इसके अंदर अच्छे से देख पाओगे। और दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेंट वगैरह मैंने कलर वगैरह देखे काफी अच्छे हैं, बेजल भी यहाँ पे काफी कम है। दोस्तों जो कैमरा है वो सेंटर के अंदर मिलता है, पंच होल डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले वैसे तो ठीक है दोस्तों, पर इसके अंदर यार 90Hz ही रिफ्रेश रेट है। अभी के टाइम में आप मतलब इस प्राइस के अंदर कोई दूसरी तरफ जाओगे, दूसरी ब्रांड की तरफ, तो वहां पर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। और दूसरी जो यहाँ पे मुझे कमी मिली वो ये कि यार इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी। इसके अंदर आपको IPS LCD मिल रही है, जिसकी वजह से जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपको पावर बटन पे मिल रहा है। अगर इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले होती तो फिंगरप्रिंट हमें डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता, तो वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। दोस्तों अगर प्रोसेसर इसका देखेंगे तो इसके अंदर MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से दोस्तों थोड़ा कम प्रोसेसर है, पर अगर 18,000 रुपए के अंदर ये आपको मिल जाता है तो प्रोसेसर मैं कहूंगा ठीक है। और ये स्मार्टफोन दोस्तों मतलब नॉर्मल यूजर के लिए है, जिसको मतलब नॉर्मल यहाँ पे काम वगैरह करना रहता है, नॉर्मल यहाँ पे कॉलिंग वगैरह करनी रहती है, जिसको यहाँ पे अच्छी खासी गेमिंग करनी है, गेमिंग वगैरह के लिए स्मार्टफोन वगैरह चाहिए,
तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है, ये एक नॉर्मल यूजर के लिए है। आप अगर अच्छी खासी एडिटिंग वगैरह करना चाहोगे तो ये प्रोसेसर और ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको ऑफलाइन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ऑनलाइन में बहुत कम बिकेगा स्मार्टफोन, ऑफलाइन में ज्यादा बिकेगा क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन में जब भी कस्टमर जाता है तो वो सबसे पहले डिजाइनिंग को देखता है, डिजाइनिंग को देखते उसको स्मार्टफोन पसंद आ जाता है, उसको नहीं पता होता कि इसके अंदर प्रोसेसर वगैरह क्या है, कैसा कैमरा है। और वहां पर अगर वो कैमरा टेस्ट भी करेगा तो दोस्तों वहां पर तो अच्छी खासी लाइटिंग वगैरह होगी तो हमें लगेगा कि इसका कैमरा सही है, फिर हम उसको खरीद लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा ये एक नॉर्मल यूजर के लिए है, जो एकदम नॉर्मल मतलब काम के लिए स्मार्टफोन को यूज में लेता है। अगर आपको हेवी यूजेज के लिए मोबाइल फोन चाहिए तो आप दूसरी ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी जो मेन चीज यानी कि कैमरा को लेकर, क्योंकि इसके अंदर जो हाईलाइट चीज है वो इसका कैमरा ही है, तो इसका कैमरा कैसा है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों इसके पीछे दो कैमराज मिलते हैं, जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा और है जिसका कोई ज्यादा यूजेज नहीं है, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर मेगापिक्सल के अंदर तो अभी के टाइम में आप देखोगे तो काफी कम है, पर दोस्तों आपको पता होगा मेगापिक्सल पर हम बिलीव नहीं रखते, हम मतलब रियलिटी पर विश्वास रखते हैं। तो हमने काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक किए जो कि मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि इसका कैमरा सही है या नहीं है। और दोस्तों अगर वीडियो वगैरह बनाना चाहोगे तो वीडियो के लिए मैं इसको आपके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आप पीछे के कैमरे से 1080 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट कैमरा से भी 1030 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इसका मतलब आपको कैमरा टेस्ट करके दिखाएं अलग वीडियो के अंदर तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आप ये फोटोज देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मतलब फोटो ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 18,000 रुपए के अंदर मिलता है तो ठीक है, पर अगर 20,000 के अंदर दोस्तों ये फोटोज मतलब थोड़ी कमी लग रही है, क्योंकि पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर देखोगे यहाँ पे इतना अच्छा ब्लर नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे डिटेल्स वगैरह काफी अच्छी है, और सेल्फी कैमरा थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलता है तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह वो इतनी अच्छी नहीं है जब हम लो लाइट के अंदर फोटोज क्लिक करते हैं। और दोस्तों अगर 17-18 हजार रुपए अगर इसकी प्राइस है तो दोस्तों ये फोटोज ठीक लगी मुझे, और भी यहाँ पे इसके अंदर सुधारा जा सकता था। तो दोस्तों अगर मैं फाइनल आपको रिव्यू दूं कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप हेवी यूज के लिए इसको लेना चाहते हो तो मत खरीदिए। अगर आपका प्लान है कि मुझे नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए, नॉर्मल कॉलिंग वगैरह करता हूँ, यूट्यूब पर पढ़ाई वगैरह करता हूँ, या फिर दोस्तों आप स्टडी वगैरह के लिए किसी और काम के लिए ले रहे हो, तो नॉर्मल यूजेज के लिए ठीक है, आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ओप्पो की मार्केटिंग काफी अच्छी है, जब भी हम इसको सेकंड हैंड वगैरह बेचेंगे तो अच्छी खासी रकम वापस मिल जाती है। दोस्तों आपको कैसा लगा ओप्पो A79 आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आप इस स्मार्टफोन का किसी दूसरे स्मार्टफोन से कंपैरिजन देखना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो आपका तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।